तो दोस्तों, जुलाई के मंथ का एक और अपडेट, जिस अपडेट को हम लोग हर महीने कर रहे हैं, और ये एक एक्सप्रेसवे बन रहा है। मैंने आपको बताया था कि अक्षरधाम से लेकर के सीधे देहरादून तक, और ये फेज़ वन का जो काम है, ये हम लोग इस समय शास्त्री पार्क से लेकर के खजूरी तक इसकी अपडेट हर एक महीने देता हूँ, क्योंकि मेरा यही रूट है। और कोशिश करता हूँ कि आपको एक जो भी यहाँ पे अपडेशन हुए हैं वो उसके बारे में बता पाऊँ। हालांकि मैंने पिछली बार आप लोगों को एक चीज़ शेयर करी थी कि वेल्डिंग्स को लेकर के यहाँ पे कोई सुरक्षा नहीं थी, और बहुत सारे कर्मचारी अपने ड्रेस में या पूरी तरह से सेफ्टी प्रोटोकॉल्स में नहीं थे। तो बीच में जब मैं एक दो बार आया तो मैंने देखा कि वो थोड़े करेक्शन किए हैं। तो थैंक यू, अगर ये बातें कहीं तक पहुँची हैं और उस पर कुछ एक्शन लिए गए हैं, और हो सकता है सिर्फ मैंने ही नहीं, किसी और ने भी इसको नोट किया हो और ये अपडेट दी हो। तो खैर, बहरहाल सड़कें भी थोड़ी सुधर गई हैं, सड़कों पे भी काम हुआ है, और जो वेल्डिंग वाला पोर्शन था वो भी ठीक है। कंस्ट्रक्शन तो अपना फुल स्विंग पे है ही, अच्छा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। और मैंने देखा है कि ये जो ऊपर आपने गार्डर्स लगते हुए देखे हैं, ये यहाँ पर कई सारे गार्डर्स एक साथ खड़े रहते हैं, और मुझे लगता है कि एक दिन के अंदर शायद दो गार्डर तो ये पूरा कंप्लीट कर ही देते हैं। आप साइडों में जो ये मशीन्स देख रहे हैं, ये सब क्रेन्स हैं, और काम तो खैर अच्छा चल रहा है, काम में कोई डाउट नहीं है किसी भी तरीके का। बस जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं वो मुझे लगता है कि जब जैसे दिल्ली जैसी कैपिटल में भी यहाँ नहीं फॉलो होते तो बाकी सब जगह तो क्या हाल होता होगा। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था, मतलब वीडियो में तो नहीं, लेकिन हाँ मुझसे पूछा कि भाई तुम कैसे ड्राइव कर रहे हो। मतलब तो मैं आपको बता दूँ कि ये मैंने एक अपना एक फ्रेम लिया हुआ है, उसी को मैंने अपने जो हमारा फ्रंट मिरर होता है गाड़ी का उस पर लगाया हुआ है, और उसी में मोबाइल अटैच है, तो इससे मेरी ड्राइविंग पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। और मैं वीडियो ऑन करके सिर्फ बोलता रहता हूँ आपके सामने जो भी दिख रहा है उसके बारे में, बाकी मैं मोबाइल की तरफ ध्यान नहीं देता, तो मेरी जो ड्राइविंग है वो भी सेफ है। ये देखिए, जैसे मैं आपको बता रहा था कि जो गार्डर्स हैं ये इस टाइप के एक पूरे ट्रेलर पे ला कर के खड़े किए हुए हैं, ताकि आज इसको इंस्टॉल किया जा सके, और जैसे इनका नंबर आता है वो कर देते होंगे। तो एक दिन के अंदर दो तो ये ज़रूर कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत स्पीड से काम चल रहा है, और ऊपर की फिनिशिंग मैं जहाँ तक मेरे अनुमान है और सुना भी है कि 2023 के अंदर दिसंबर तक ही इसको चालू करना है, पूरा एक्सप्रेसवे, पूरा जो दिल्ली से लेकर के देहरादून तक है। डेडलाइन तो यही है, अब हो सकता है, मुझे लगता है कि अगर थोड़ा डिले भी हो जाएगा और सेफ्टी लेकर के चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि एक डेट दे दी तो उसी डेट पर ही सब कुछ शुरू होना चाहिए, और हालांकि अब काम बिफोर टाइम हो रहे हैं ये तो हमने देख ही लिया है। 2014 के बाद जितने भी कंस्ट्रक्शंस हैं, चाहे वो मेट्रो की रही हों, फ्लाई ओवर्स की रही हों, ऐसे एक्सप्रेसवे की रही हों, उनके जितने भी काम हैं वो हमेशा बिफोर टाइम पूरे हो रहे हैं। ये सरकार की एक सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट पर सबसे ज़्यादा ध्यान दे रही है, और ट्रांसपोर्टेशन होना बहुत ज़रूरी है। सोचिए कि बहुत सारा ट्रैफिक जो अभी नीचे चल रहा है उसमें से बहुत सारा ऊपर ऊपर निकल जाएगा, तो कितना आसान हो जाएगा सबके लिए यहाँ से देहरादून या सहारनपुर तक पहुँचना डायरेक्ट बिना किसी रुकावट के।
ये पैरेलल विंग है जो यहाँ सिग्नेचर ब्रिज के लिए जो लोग उतरना चाहेंगे अक्षरधाम से चढ़ करके, एक पैरेलल इन्होंने रास्ता निकाला है। अब इंजीनियरिंग का कमाल देखिए कि इतने बड़े बड़े पिलर्स पे कंस्ट्रक्शन करना कितना आसान हो गया है। और ऊपर अभी आपको ये देख रहा हो सकता है कि अगले महीने इनमें से एक या दो आपको कंप्लीट मिले। जहाँ आपको पिछली सब कुछ वीडियोस में सब कुछ सोना सोना लग रहा था, अब सब कुछ आपको नजर आ रहा होगा। पैरेलल में आप देख रहे होंगे कि ये सिग्नेचर ब्रिज पे उतरेगा और बाकी सब लोग जो सीधा जाना चाहेंगे वो सीधा चले जाएंगे। और सामने जो आप एक छोटा सा फ्लाईओवर देख रहे होंगे वो सिग्नेचर ब्रिज को जाता जाता है और अपने लेफ्ट साइड में, और राइट साइड को भजनपुरा गाजियाबाद की तरफ निकल जाता है। एक और कंस्ट्रक्शन आप देख रहे होंगे मेरे राइट में वीडियो के, जो मेट्रो का कंस्ट्रक्शन है। ये मेट्रो का कंस्ट्रक्शन पिंक लाइन को कनेक्ट करेगा। ये सामने जो फ्लाई ओवर है खजूरी का फ्लाई ओवर है, जो आपके मतलब वीडियो में लेफ्ट हैंड पे सिग्नेचर ब्रिज और राइट में गाजियाबाद को। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, मैं यहीं तक वीडियो की अपडेट देता हूँ। थैंक यू सो मच।